Hello everyone, welcome to my online classroom and today in this video we are going to continue the same chapter of class 10th history chapter 7 print culture and the modern world. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर की वीडियोज़ बना दी हैं जिसमें काफ़ी सारा कॉन्टेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो आज स्टार्ट करते हैं आपके पेज नंबर 169 से और इसकी मेन हैडिंग जो आ रही है वो है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से प्रिंट कल्चर का रोल रहा रिलीजियस रिफॉर्म करने में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में जो भी सोशल इवेल्स थी उनको किस तरह से प्रिंट कल्चर ने उनको रिफॉर्म किया, साथ ही किस तरह के पब्लिक डिबेट्स भी हुए रिलीजन को लेके. तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैरा, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी एज यू नो देयर वर इंटेंस डिबेट्स अराउंड रिलीजियस इशूज. तो 19th सेंचुरी के अर्ली में ऐसा काफ़ी टाइम ऐसा हुआ ये समय जिसमें काफ़ी सारे डिबेट्स हुए किस चीज़ को लेके, रिलीजियस इशूज के लेके. और आज भी देखिए, अगर आज मॉडर्न टाइम में भी देखें तो काफ़ी सारे जो इशूज आज भी हमारे क्रिएट होते हैं, जो डिबेट्स होते हैं वो रिलीजियस बेसिस पे होते हैं. डिफरेंट ग्रुप्स कॉन्फ्रंटेड द चेंजेस हैपनिंग विद इन कॉलोनियल सोसाइटी इन डिफरेंट वेज एंड ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिलीव्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस. तो डिफरेंट ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स आए आमने सामने, कॉन्फ्रंटेड मीन्स आमने सामने, इस डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आए जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे और कॉलोनियल सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरह से चेंजेस इनके ग्रुप्स में हुए, इनके रिलीजन में हुए, उसके बारे में प्रिंट कल्चर ने किस तरह से इनके चीज़ों को, इनके बिलीव्स को इंटरप्रेट किया, किस तरह से न्यू ट्रांसलेशन दिया, न्यू तरीके का एक ट्रांसलेशन आप कह सकते हो प्रिंट कल्चर की वजह से. क्योंकि हर कोई इस टाइम ऐसा था कि प्रिंट कल्चर की वजह से, प्रिंटिंग मशीन्स की हेल्प की वजह से हर कोई अपने अपने वे में रिलीजियस मैसेजेस को कन्वे कर रहा था, इंटरप्रेट कर रहा था. सम क्रिटिसाइज एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन कैंपेन फॉर रिफॉर्म वाइल अदर्स काउंटर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रिफॉर्मर्स. इसके साथ ही देखिए, कुछ जो हैं वो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे जो भी प्रैक्टिसेस और जो भी कैंपेन होती हैं जो भी रिफॉर्म कर रहे थे, जो भी सोशल इवेंट्स को, उनको क्रिटिसाइज भी किया गया. बट इसके साथ ही काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए रिफॉर्मर्स के साथ. दिस डिबेट्स वर कैरीड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट. तो इस तरह के जो डिबेट्स थे जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के साथ होते थे वो काफ़ी सारे डिबेट्स के थ्रू पब्लिकली भी हुए और प्रिंट के थ्रू भी हुए. प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज. तो जो प्रिंटेड मटेरियल था हर एक फील्ड का, जो डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस में और जो न्यूज़पेपर्स थे वो सिर्फ न्यू आइडियाज़ को स्प्रेड नहीं कर रहे थे, बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट. बट उन्होंने जो डिबेट का एक नेचर था वो भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया था. अब वाइडर पब्लिक कुड नाउ पार्टिसिपेट इन दिस पब्लिक डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़. न्यू आइडियाज़ इमर्ज थ्रू दीज क्लैशेज ऑफ ओपिनियन. इसके साथ ही वाइडर पब्लिक जो है अब पार्टिसिपेट लेने करने लगी, किसमें, पब्लिक डिस्कशंस में, और इसके साथ ही अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस भी करने लगी. साथ ही जो न्यू आइडियाज़ थे, जो भी क्लैशेस होते थे दो ओपिनियंस में या किसी भी ओपिनियंस में, तो उसके तरह से न्यू आइडियाज़ भी इमर्ज होते थे. ठीक है, जैसे कि अगर आप तीन दोस्त बैठे हैं और कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ भी आते हैं. और बेशक ओपिनियंस में क्लैशिंग होती है, एक दूसरे से ओपिनियंस नहीं मिलते, बट उसके बावजूद भी कुछ आइडियाज़ भी यहाँ पे जब सोसाइटी में ग्रुप में लोग पब्लिक डिस्कशंस करते थे तो कुछ तरह के नए आइडियाज़ भी इमर्ज होते थे. अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, जो कि है दिस वॉज अ टाइम ऑफ इंटेंस कॉन्ट्रोवर्सीज बिटवीन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड द हिंदू ऑर्थोडॉक्सीज ओवर मैटर्स लाइक अ विडो इमोलेशन मोथिसिज्म ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड एंड आइडोलेट्री. तो ये जो टाइम था अगर हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में देखें तो ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी वाला टाइम रहा. और किस मैटर्स पे कॉन्ट्रोवर्सीज होती थी, स्पेशली विडो इमोलेशन की, जिस तरह से सती प्रथा आपको याद होगी कि विधवा को उसकी पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था. मोनोथिज्म की, एक ही ईश्वर पर विश्वास करना, एक ही गॉड को मानना. इसके साथ ही देखिए ब्राह्मणिकल प्रिस्टहुड, आपने देखा होगा कि पहले ब्राह्मण्स को इसी पूजा पाठ करने का अधिकार था. और साथ ही मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा. तो इन सारे सोशल इश्यूज, जो रिलीजियस इश्यूज थे और सोशल रिफॉर्मर्स चाहते थे इन सब चीज़ों में सुधार हो, तो इनके बीच में थोड़ा सा टकराव रहा. इन बंगाल एज द डिबेट डेवलप ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर्स प्रोलिफरेटेड. इसी तरह से बंगाल में भी जब जिस इस तरह से जब डिबेट होने लगे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और ट्रैक्ट्स जो थे वो प्रोलिफरेटेड मतलब प्रोड्यूस होने लगे रोज़, और सर्कुलेट भी होने लगे. और किस तरह से सर्कुलेट हुए, किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स के साथ, इसमें काफ़ी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स के काफ़ी सारे बातें होती, डिबेट्स होते थे, आर्ग्यूमेंट्स होते थे. टू रीच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज वर प्रिंटेड इन द एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और ताकि ये जो जितना प्रिंट कल्चर वाइडर ऑडियंस तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑडियंस तक पहुँच सके, लोग पढ़े लिखे इसके बारे में नॉलेज ले सकें, तो प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू ये जाता था एवरीडे घरों में. और
स्पोकन कौन सी लैंग्वेज में ये पेपर छपते थे, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी, जो वो वहाँ के लोग जानते थे वो बोलते थे। रामन रॉय पब्लिश दिस संबाद कॉमेडी फ्रॉम 1821। तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि हु वॉज रॉट दी संबाद कॉमेडी, तो आपका आंसर होगा राजा रामन रॉय ने, और 1821 में। उसके साथ ही हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कमीशन दी समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियंस। इसके साथ ही देखिए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थे वो भी समाचार चंद्रिका को पब्लिश करते थे, किसलिए, टू अपोज हिज ओपिनियंस। फ्रॉम 1822 आर टू पर्शियन न्यूज़पेपर, इसके साथ ही 1822 में टू पर्शियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश हुए, जो कि हैं जामे जहां नमा एंड शमशुल अकबर। तो ये वन मार्क का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, जब आपसे पूछा जाए कि टू पर्शियन न्यूज़पेपर्स का नाम बताइए तो आप इन दो का नाम ले सकते हो। इसके साथ ही इन द सेम ईयर अ गुजराती न्यूज़पेपर, इसी सेम ईयर में 1822 में एक गुजराती न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुआ, अपीयरेंस में आया, वो है बॉम्बे समाचार। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, जो कि आपके उलमा से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। नॉर्थ इंडिया बात करें तो उलेमा वर डीपली एंशियस अबाउट द कॉलेप्स ऑफ मुस्लिम डायनेस्टीज। इससे पहले हमने हिंदुज्म के बारे में पढ़ लिया, अब देखिए इस्लाम के बारे में। जो उलेमा थे वहाँ पे वो उन्हें बड़ी टेंशन थी जब प्रिंट कल्चर आया, और उनको लगता था कि मुस्लिम डायनेस्टीज जो हैं वो धीरे धीरे शायद कॉलेप्स हो जाएंगी इसकी वजह से। दे फियर डेट कॉलोनियल रूलर्स वुड इनकरेज कन्वर्शन चेंज द मुस्लिम पर्सनल लॉ। इसके साथ ही उन्हें ये डर लगता था कि कॉलोनियल रूलर्स जब से आए हैं प्रिंट कल्चर की वजह से और कॉलोनियल रूलर्स की वजह से भी इन्हें ये हमेशा डर रहा कि ये वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कन्वर्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म को छोड़ो और हमारा धर्म कन्वर्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो। इसके साथ ही मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको भी चेंज करने की हमेशा कोशिश करते रहे कॉलोनियल रूल्स, एक्चुअली वो सुधार करने की कोशिश करते रहे, बट हमेशा इन लोगों को डर लगा रहता था कि शायद वो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं या हमसे हमारा धर्म छीन रहे हैं। टू काउंटर दिस, तो इस तरह का डर हिंदुज्म में भी काफ़ी रहा। टू काउंटर दिस दे यूज चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस पब्लिश पर्शियन एंड उर्दू ट्रांसलेशन बाई होली स्क्रिप्चर्स एंड प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर एंड राइट। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस ली, चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस जितना मटेरियल आपको प्रिंट करना होता था बस उतने में इंक लगती थी और उतना ही प्रिंट होता था, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ती थी। इसके साथ ही इन्होंने पब्लिश किया इन पर्शियन उर्दू ट्रांसलेशन, जो भी होली स्क्रिप्चर्स थे उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया, और साथ ही प्रिंटेड रिलीजियस न्यूज़पेपर्स और टेक्स्ट को भी प्रिंट करना स्टार्ट किया। द देवबंद सेमिनरी फाउंडेड इन 1867 पब्लिश थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ फतवास टेलिंग मुस्लिम रीडर्स हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स इन देयर एवरीडे लाइव्स एंड एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइंस। इसके साथ देखिए देवबंद सेमिनरी जो इन्होंने फाउंड की थी 1867 में मुस्लिम्स ने, उसमें भी काफ़ी सारे थाउजेंड्स से हज़ारों की संख्या में फतवाज जो हैं वो जारी किए गए थे मुस्लिम्स रीडर्स के लिए, और उसमें उनको बताया गया था किस तरह से आपको एवरीडे लाइफ अपनी जीतनी है, किस तरह से आपको इस्लामिक डॉक्ट्राइंस जो भी रूल हैं जो भी कायदे कानून हैं इस्लाम के उसको फॉलो करना है। और यहाँ से फतवा से आपका वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है, साथ में उलेमा से भी आपका वन मार्क क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है जो भी न्यू वर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ से बहुत काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वन मार्क क्वेश्चन बनने के। तो यहीं पर आप मार्क करते रहिए, साथ में लिखते रहिए हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन मार्क के आ सकते हैं। तो उलेमा देख लीजिए कौन है, एक लीगल स्कॉलर जो होता है इस्लाम का या शरिया का, जो कि शरिया एक बॉडी ऑफ इस्लामिक लॉ है, तो एक कोई भी लीगल स्कॉलर जो हेड होता है उसको उलेमा बोलते हैं। साथ में फतवा क्या होता है, एक लीगल प्री अनाउंसमेंट होता है इस्लामिक लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी एक तरह से वार्निंग दी जाती है, फतवा जारी होता है, अगर आप इस्लामिक रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, उनको मान नहीं रहे हो, तो उस पर्सन के अगेंस्ट फतवा जारी हो जाता है कि आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी अ नंबर ऑफ मुस्लिम सेक्ट्स एंड सेमिनरीज अपीयर ईच विद अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ ईच कीन ऑन इनलार्जिंग इट्स फॉलोइंग एंड काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओपोनेंट। तो इसी तरह से जैसे देवबंद सेमिनरी फाउंडेड हुई, इसी तरह से काफ़ी और भी सेमिनरी और इस तरह की काफ़ी संस्थाएँ अपीयर हुई मुस्लिम सेक्ट की, और जिन्होंने अपने अपने फेथ को इंटरप्रेट किया अपनी अपनी तरह से, जो भी उन्हें समझ में आया उस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया, और काफ़ी तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया अपने अपोनेंट्स की लाइफ को और साथ ही जो उनके खुद के धर्म के लोग थे। उर्दू प्रिंट हैव देम कंडक्ट दिस बैटल्स इन पब्लिक। इसके साथ ही उर्दू प्रिंट ने उर्दू लैंग्वेज में जब इस प्रिंट को लाया गया तो इससे काफ़ी उनको हेल्प मिली कि वो पब्लिकली इस बैटल को जीत सकें और कंडक्ट करा सकें। अमंग हिंदूज टू प्रिंट इनकरेज द रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। इसके साथ ही हिंदुओं में भी प्रिंट की वजह से काफ़ी लोग इनकरेज हुआ रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए स्पेशली इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। और किस लैंग्वेज में, जैसे अभी उर्दू में वहाँ पे हमने पढ़ा, तो उसी तरह से यहाँ भी
वर्नाकुलर लैंग्वेजेस देखिए, हर एक जगह की लोकल लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से जो प्रिंट कल्चर है, रिलीजियस टेक्स्ट, हर किसी का अपना अपना रिलीजन होता है, वो भी रिलीजियस किताबें पढ़ना चाहता है। तो प्रिंट कल्चर को एक और पब्लिशर्स को एक चीज़ मिल गई कि किस तरह का मटेरियल अब डिमांड में है सोसाइटी में। तो रिलीजियस मटेरियल उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड किया और ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया गया, ठीक है, वहाँ की लोकल भाषाओं में, जैसे कोंकणी हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ हो गई, जो हर एक रीजन में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ दी रामचरित मानस ऑफ तुलसीदास अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम आउट फ्रॉम कलकत्ता इन 1810। तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बन गया आपका कि रामचरित मानस जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखित 16th सेंचुरी में ये टेक्स्ट आया था और कहाँ पब्लिश हुआ था, कलकत्ता में 1810 में। इसके साथ ही मिड 19th सेंचुरी में देखा जाए तो काफ़ी चीप लिथोग्राफिक एडिशन फ्लडेड नॉर्थ इंडियन मार्केट्स। नॉर्थ इंडिया मार्केट में काफ़ी चीप एडिशन लिथोग्राफिक एडिशन, जो मैंने आपको प्रिंटिंग मशीन बताई थी, जिसमें बस जितने आपको इंक यूज़ करनी है जिस टेक्स्ट को छापने के लिए, तो इस तरह की लिथोग्राफिक एडिशंस वहाँ पे मार्केट में लगे जो काफ़ी सस्ते पड़ते थे। इसके साथ ही 1880s में नवल किशोर प्रेस थी लखनऊ में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रेस लखनऊ में थी, तो आपको आंसर नवल किशोर प्रेस देना है। एंड श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो थी वो बॉम्बे में, इन्होंने काफ़ी रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश किया लोकल लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। इसके साथ ही प्रिंटेड और पोर्टेबल फॉर्म, आप जो ये फॉर्म आने लगी, जो किताबें आने लगी, वो प्रिंटेड भी थी और पोर्टेबल थी। पोर्टेबल मीन्स एक ईजी थी कैरी करने के लिए उनको। देखिए मीनिंग लिखा है पोर्टेबल का कि किस तरह ईजी थी पढ़ने में भी और साथ में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी ये काफ़ी ईजी थी। दे कुड ऑल्सो बी रीड आउट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ इलिटरेट मैन एंड वुमेन। इसके साथ ही इनको जोर जोर से पढ़ के भी सुनाया जा सकता था ग्रुप्स में जब गैदरिंग्स होती थी, तो जिससे कि अनपढ़ लोग जिनको नॉलेज नहीं थी, अशिक्षित जो मैन और वुमेन थे, वो भी समझ सकते थे क्या उन किताबों में लिखा गया, क्योंकि जोर जोर से पढ़ के एक इंसान जो पढ़ा लिखा इंसान है वो उन किताबों को जोर जोर से पढ़ के सुनाता था। रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड अ वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल, इनकरेजिंग डिस्कशंस, डिबेट्स एंड कंट्रोवर्सीज विद इन एंड अमंग डिफरेंट रिलीजन। इसके साथ ही देखिए ये जो रिलीजियस टेक्स्ट आया वो काफी वाइड सर्कल में, जितने भी बहुत ज्यादा लोगों में ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ा गया, उनके पास पहुंचा, इनकरेज हुआ डिस्कशन। देखिए जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, डिबेट हुए, कंट्रोवर्सीज हुई विद इन और अमंग, अपने खुद के धर्म में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज, डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, साथ ही दूसरे डिफरेंट रिलीजन्स के साथ भी काफ़ी डिस्कशन, डिबेट और कंट्रोवर्सीज हुई। इसके साथ ही नेक्स्ट पैराग्राफ, प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट दी पब्लिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस अमंग कम्युनिटीज़, बट इट ऑल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो प्रिंट कल्चर की वजह से ऐसा नहीं कि उन्होंने जितना ही पब्लिकेशन किया वो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस ही रहा कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े वाली बातों पर डिबेट हुआ धर्म को लेकर, बट ऐसा नहीं था। बट इसके साथ ही इसने एक इंडिया के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे उनको भी जोड़ के रखा, ठीक है। तो प्रिंट का एक ये भी बहुत अच्छा फंक्शन आप फीचर मान सकते हो, तो ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जाए, सिग्निफिकेंस पूछा जाए प्रिंट का, तो आप ये वाली बात भी लिख सकते हो कि प्रिंट के जिससे आज जो इंडिया में एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी, एक इंसान दूसरी कम्युनिटी से और दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है, पूरे डिफरेंट पार्ट्स जो है इंडिया को जुड़े हुए हैं। न्यूज़पेपर्स कन्वे न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज। इसके साथ ही न्यूज़पेपर के वजह से ये न्यूज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई पहुंची, और साथ ही क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटीज। सो पैन इंडियन आइडेंटिटीज मतलब तो अखिल भारतीय पहचान, जिससे कि हम सबकी एक किस तरह की पहचान बनी, अखिल भारतीय पहचान, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्स डी में कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में यहाँ बताया गया, तो आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आपके पेज पे, और यहाँ पे आ रहा है आपका नेक्स्ट मेन हेडिंग, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो यहाँ पे प्रिंटिंग क्रिएटेड एन एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग। तो देखिए प्रिंटिंग की वजह से एक नई भूख जन्म लेने लगी लोगों के बीच में, कि नई नई तरह की डिमांड आने लगी नई नई तरह की राइटिंग की। एज मोर एंड मोर पीपल कुड रीड, दे वॉन्टेड टू सी देयर ओन लाइव्स। जितना जितना ज़्यादा वो पढ़ते थे उनको उन लिखाई में, उन राइटिंग्स में अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी नज़र आती थी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने इमोशंस, अपने रिलेशनशिप्स उनको रिफ्लेक्ट होते थे जब वो कुछ भी किताबें पढ़ते थे, कुछ भी चीज़ों को पढ़ते थे। द नॉवल अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप एडली कैटेड टू दिस नीड। तो इस तरह की डिमांड को पूरा करने के लिए काफ़ी लिटरेरी फॉर्म में नॉवल जो थे स्पेशली वो डेवलप हुए यूरोप में। इट सून एक्वायर डिस्टिंक्टिवली इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। इसके साथ ही काफ़ी सारे इंडियन फॉर्म्स और स्टाइल्स को फॉलो करके नॉवल्स लिखे गए। फॉर रीडर्स इट ओपन अप न्यू वर्ल्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड गेव अ विविड सेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसके साथ ही इन्होंने, इन नॉवल्स ने रीडर्स के लिए एक नया वर्ल्ड ओपन कर दिया एक्सपीरियंस का,
और काफ़ी सारे जो वेरियस लाइफ्स के डाइवर्सिटी होती है विविड सीन्स के द्वारा, विविड सेंस, अलग अलग तरह के जो सेंस होते हैं लाइफ में, उसको पूरा का पूरा डिपिक्ट किया गया है इन इन नॉवल्स में। और जाहिर सी बात है, अगर कोई नॉवल आपको अपनी लाइफ से कनेक्टेड लगता है तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। अदर न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऑल्सो एंटर द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग। तो ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही तरह की फॉर्म आती थी, नॉवल्स ही आते थे, नहीं बल्कि देखिए हर तरह का रीडर था उस टाइम। तो इसी तरह से लिरिक्स हुए, शॉर्ट स्टोरीज हुई, ऐसे हुए, और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पे से रिलेटेड जो एसेज होते थे वो भी काफ़ी मात्रा में पब्लिश होने लगे। डिफरेंट वेज में देखे जाए तो इन्होंने दे रेनफोर्स द न्यू इम्फेसिस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड इंटीमेट फीलिंग्स अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल रूल्स डेट शेप सच थिंग्स। तो इसके साथ ही देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें आने लगी मार्केट में, उन्होंने काफ़ी सूचित भी किया, इंटीमेट मतलब सूचित किया लोगों को, और उनको मोटिवेट भी किया, उनकी फीलिंग्स को भी समझा, और साथ ही पॉलिटिकल सोशल रूल्स को भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शेप किया। बट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर एंड तक आए 19th सेंचुरी की, तो एक न्यू विजुअल कल्चर वॉज टेकिंग प्लेस विद द सेटिंग अप ऑफ एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग प्रेसेस सेट होने लगी, और जब ज़्यादा मात्रा में प्रिंटिंग प्रेसेस आने लगी तो ऑब्वियसली बात है कि जितनी विजुअल इमेजेस हैं वो भी इजिली रिप्रोड्यूस होने लगी मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, जितने भी चित्र होते थे वो भी काफ़ी मात्रा में मल्टीपल कॉपीज में प्रोड्यूस होने लगे। मल्टीपल कॉपीज मतलब एक से ज़्यादा कॉपीज, जब प्रिंटिंग मशीन थी तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ये मटेरियल अवेलेबल होने लगा मार्केट में। पेंटर्स लाइक, ऐसे देखिए एक पेंटर का नाम है राजा रवि वर्मा, तो ये भी मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो इन पेंटर का नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने काफ़ी सारी इमेजेस को मास सर्कुलेशन में एक तो प्रोड्यूस किया, और साथ ही मास सर्कुलेशन, ठीक है, काफ़ी लोगों तक पहुँचाया। पुअर वुड इनग्रेवर्स हु मेड वुड ब्लॉक सेटअप शॉप नियर द लेटर प्रेसेस एंड वर एम्प्लॉयड बाई प्रिंट शॉप। इसके साथ ही जो पुअर वुड इनग्रेवर्स थे, देखिए पुअर वुड इनग्रेवर्स जो लकड़ियों पर जो वुडन वर्क करते थे, वुडन आप देखते हो कि आपके जो घर में सोफ़ा सेट या कोई भी फर्नीचर बना हुआ है, जो बेड वगैरह है, तो आपने देखा उसमें नक्काशी हो रखी है, ठीक है, तो वो जो नक्काशी वाला काम है, जो फूल पत्तियां जो इनग्रेव करते हैं लकड़ियों से, वुडन से, उसको एक तरह की आर्ट देते हैं, तो उसी को बोलते हैं, जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको बोलते हैं वुड इनग्रेवर्स। तो उस टाइम तक ये जो काफ़ी पुअर वुड इनग्रेवर्स थे, इन्होंने भी वुड ब्लॉक सेटअप कर लिए, इनको इजी पड़ा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो इस तरह का काम करने के लिए इन्होंने अपनी दुकानें लेटर प्रेसेस जो होती थी उनके बगल में खोल ली, उनके पास में, और जिस वजह से इनको भी काम मिलने लगा प्रिंट शॉप्स में। चीप प्रिंट्स एंड कैलेंडर्स इजिली अवेलेबल इन द बाजार। इसके साथ ही जो चीप प्रिंट्स होते थे, कैलेंडर्स थे, वो इजिली अवेलेबल हो जाते थे बाजार में, जिसकी वजह से लोग जो थे स्पेशली जो पुअर लोग होते थे वो अपने घरों की दीवारें और जो जहाँ पे वो काम करते थे उनको सजा सकते थे, डेकोरेट कर सकते थे। दिस प्रिंट्स बिगन शेपिंग पॉपुलर आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी एंड कल्चर। इसके साथ ही ये प्रिंट्स के वजह से काफ़ी पॉपुलर आइडियाज़ को शेप करने में मदद मिली, जैसे मॉडर्न आइडियाज, ट्रेडिशन हुआ, रिलीजन हुआ, पॉलिटिक्स हुई, इसके साथ ही सोसाइटी और कल्चर भी। इसके साथ देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में, जो कि है बाय दी 1870s। देखा जाए तो काफ़ी सारे कैरिकेचर्स और कार्टून्स थे, कि कार्टून्स वो आप समझते हो, कैरिकेचर्स वो व्यंग्यात्मक चित्र बनाए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में, वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश होने लगे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में, कमेंटिंग ऑन और किस टॉपिक पे ये कमेंट करते थे, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। कुछ इसी तरह के कैरिकेचर्स जो हैं वो रिडिक्यूल्ड, ठीक है, रिडिक्यूल्ड मतलब उपहास उड़ाते थे एडुकेटेड इंडियन फैसिनेशन विथ वेस्टर्न टेस्टेज एंड क्लोथ्स, ठीक है, तो फैसिनेशन मतलब तो सम्मोहन, तो इस तरह के इंडियन लोग किस तरह से वेस्टर्न टेस्ट और क्लोथ से किस तरह से प्रभावित होते थे, उसी तरह के कपड़े पहनने स्टार्ट करते थे। तो उस तरह के कुछ कैरिकेचर्स व्यंग्यात्मक चित्र बनाए गए जो कि उपहास मजाक उड़ाते थे, वाइल अदर्स एक्सप्रेस दियर फेयर ऑफ सोशल चेंज। इसी के साथ कुछ ऐसे भी कैरिकेचर बनाए गए जिसमें सोशल चेंज, जिस तरह सोसाइटी चेंज हो रही है उसका भी डर दिखाया गया। दियर वॉज इंपीरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपीरियल रूल। इसके साथ ही कुछ इम्पेरियल कैरिकेचर्स भी बनाए गए जो कि लैम्पूनिंग जो निंदा करते थे नेशनलिस्ट की, मतलब दियर वन इम्पेरियल कैरिकेचर्स लैम्पूनिंग नेशनलिस्ट एज वेल एज नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपेरियल रूल। तो इसी तरह से कुछ व्यंग्यात्मक चित्र बनाए गए जो निंदा करते थे नेशनलिस्ट की एज वेल एज दी नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइजिंग इंपेरियल रूल, जो उस टाइम इंपेरियल रूल था, जो ब्रिटिश का रूल था, उसको भी क्रिटिसाइज करते थे। इसके साथ ही देखिए फिगर 17 जो एक यहाँ पे इमेज दी गई है वो है राजा ऋतुवज की, जो रेस्क्यू उन्होंने बचाया था एक प्रिंसेस मदलसा को फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ डेमोन्स, राक्षसों के वहाँ से उनको बचाया था। और ये एक प्रिंट है जो रवि वर्मा
प्रिंट से पब्लिश हुई। तो राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस इन्यूमरेबल मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स डेट फॉर प्रिंटेड एट दी रवि वर्मा प्रेस। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, मैथोलॉजिकल पेंटिंग है, और ये कहाँ प्रिंट हुई थी? उनकी खुद की प्रेस जिसका नाम था रवि वर्मा प्रेस। तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए मूव करते हैं वीमेन इन प्रिंट, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। किस तरह से इंडिया में वीमेन और प्रिंट रिलेटेड रहे एक दूसरे से। लाइफ्स एंड फीलिंग्स ऑफ वीमेन बिगिन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविन इंटेंस वेज। तो जो जिंदगी और जो फीलिंग रही है, जो भावनाएं रही वीमेन की, वो काफ़ी तरह से अलग अलग सेंस में विविध विविध रूप में इसको दिखाया गया है। वीमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज इनोमोस्टली इन मिडिल क्लास होम्स। और अगर वीमेन रीडिंग देखा जाए तो सबसे तक इनोमोस्टली मतलब कहाँ विशाल रूप से बढ़ी, तो वो बढ़ी मिडिल क्लास होम्स में, क्योंकि यहाँ पे लिबरल हस्बैंड्स और फादर्स जो थे उन्होंने अपने जो महिलाएं थी उनके घर में उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे प्राइवेट ट्यूटर्स के द्वारा, और इवन उनको स्कूल भी भेजा। व्हेन वुमेन स्कूल, जब वीमेन स्कूल जो थे वो सिटीज़ में सेटअप हो गए थे और या तो टाउन्स में जो, और ये कब सेटअप हुए थे? मिड 19th सेंचुरी में, ठीक है। जब स्कूल सेटअप नहीं होते तो घर में ट्यूटर्स रख के उनको पढ़ाया गया, और साथ ही जब ओपन हो गए तो स्कूल भी भेजा गया। मैनी जर्नल्स बिगन कैरिंग राइटिंग्स बाई वुमेन एंड एक्सप्लेन हु वाई वुमेन शुड बी एडुकेटेड। काफ़ी सारी इस तरह की मैगजीन्स जर्नल्स आए जिसमें काफ़ी सारी राइटिंग्स महिलाओं के द्वारा लिखी थी, और उसमें ये लिखा था किस क्यों ज़रूरी है महिलाओं को पढ़ाना। दे ऑल्सो कैरिड अ सिलेबस एंड टेस्ट सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारा ऐसा भी सिलेबस था, ऐसा भी रीडिंग मैटर था इन किताबों में जो बताया गया था कि किस तरह से यूजफुल रहेंगी महिलाओं के लिए और किस तरह की स्कूलिंग होनी चाहिए, स्पेशली जो होम बेस्ड स्कूलिंग के ऊपर ही किताबें लिखी गई थी जो उनके लिए काफ़ी यूजफुल रही। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। देखिए तो इस तरह से हर कोई फैमिली लिबरल नहीं थी, उदारवादी नहीं थी, जिस तरह से लिबरल फादर्स और हस्बैंड ने अलाउ किया था, इस तरह से ऐसा इनकी सोसाइटी में हर किसी ने अलाउ किया था वीमेन को पढ़ने के लिए। तो कुछ इसी तरह से कंजर्वेटिव हिंदूज, आपने आई थिंक क्लास 9th में पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन में कि सोसाइटी तीन तरह के लोग होते थे, एक होते थे लिबरल, एक कंजर्वेटिव और एक रेडिकल। तो देखिए लिबरल के बारे में हमने पढ़ा है जो हर तरह से लिबर्टी फ्रीडम की बात करते हैं। इस तरह से एक होता है ग्रुप कंजर्वेटिव, ठीक है। कंजर्वेटिव का क्या सोच होती है, वो हर अपने ओल्ड ट्रेडिशन कल्चर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, किसी तरह का चेंज नहीं चाहते। तो अगर महिलाएं पढ़ जाएंगी, वीमेन पढ़ जाएंगी, तो एक तरह का चेंज होता है, क्योंकि वो उनका मानना था कि वीमेन सिर्फ घर के काम करने के लिए है, बाहर की दुनिया के लिए नहीं है। तो कंजर्वेटिव हिंदूज का मानना था कि अगर वो गर्ल्स को लिटरेट कर देंगे वुड बी विडोज की, तो उनकी जो गर्ल्स हैं, कंजर्वेटिव हिंदूज बिलीव डेट अ लिटरेट गर्ल वुड बी विडो, कि अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाती है तो विधवा हो जाती है, ठीक है। एंड मुस्लिम फियर डेट एडुकेटेड वीमेन वुड बी करप्टेड बाई रीडिंग उर्दू रोमांसेस। इसके साथ ही देखिए मुस्लिम्स की क्या डर था, हिंदूज कंजर्वेटिव हिंदूज को ये डर था, तो मुस्लिम्स को ये डर था कि अगर हमने अपनी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया तो वो करप्टेड हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, कैसे, अगर उन्होंने उर्दू रोमांसेस पढ़ ली है तो। बिल्कुल कुरान पढ़ने के लिए नॉलेज दे सकते थे उनको पढ़ने के लिए, बट उर्दू रोमांसेस इस टाइप की चीज़ों को पढ़ने के लिए उनको परमिशन नहीं देते थे, ठीक है। अगर वो पढ़ लेंगे तो उनको लगता था वो करप्ट हो जाएंगी। तो समटाइम्स रेबल वुमेन डिफाइड सच प्रोबेशन। तो देखिए हर तरह से एक ऐसा नहीं होता कि हर टाइम एक वीमेन हमेशा ओबे करती रहेगी ऑर्डर्स को, बट ऐसी भी कुछ महिलाएं थी जिन्होंने इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस तरह की रुकावट, जो प्रोबेशन पे रुकावट लगाई थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। वी नो दी स्टोरी ऑफ अ गर्ल इन अ कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इसी तरह से एक कहानी, एक कंजर्वेटिव फैमिली जो मुस्लिम फैमिली से नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती थी, एक गर्ल, उसकी स्टोरी यहाँ पे लिखी, जिसने सीक्रेटली, जिसने चुपके से पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, क्या पढ़ना उसने स्टार्ट किया, उर्दू में, ठीक है। हर फैमिली वॉन्टेड हर टू रीड ओनली थी, उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अरेबिक कुरान पढ़े, विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, उसको वो समझ में नहीं आती थी। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज डैट वॉज हर ओन। तो इस वजह से वो चाहती थी कि वो सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज पढ़े जो उसको खुद समझ में आए, उसके लिए ही हो। इसी तरह से ईस्ट बंगाल का एक एग्जाम्पल है 19th सेंचुरी का। देखिए सब इंपॉर्टेंट 1-1 मार्क के आपके क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो इसी तरह से एक आ रहा है अर्ली 19th सेंचुरी में ईस्ट बंगाल से एक कहानी, स्टोरी राज सुंदरी देवी की, ठीक है। इनकी क्या कहानी थी, ये यंग मैरिड गर्ल थी और इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में, इनकी जो फैमिली थी काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थी, काफ़ी कट्टरवादी थी। लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन, और ये कहाँ पढ़ना, क्योंकि इनके यहाँ पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, बट इन्होंने चुपके से किचन में, अपने किचन में, सबको लगता था किचन में कुछ काम कर रही है, कुकिंग वुकिंग कर रही है, बट वहाँ पर इन्होंने चुपके से पढ़ना स्टार्ट किया। लेटर शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी, और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था अमार जीवन, ठीक है। इसको इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं क्योंकि ये बंगाली में है। तो अमार जीवन विच वॉज पब्लिश इन 1876, और ये कब पब्लिश हुई, 1876 में। तो ये 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि अमार जीवन किसने लिखी,
उसका नाम बताइए या फिर उस लेडी का नाम बताइए जिसने अपने किचन में ये पढ़ाई लिखाई सीखी। इसके साथ ही ये माना जाता है ये फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी, फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो पब्लिश हुई थी बंगाली लैंग्वेज में। तो यहाँ से आपका वन मार्क इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। इसी तरह से कुछ और भी लेडीज़ की कहानी है। सिंस सोशल रिफॉर्म से नॉवल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेंस लाइफ, सोशल रिफॉर्म से नॉवल्स ने काफ़ी सारे वीमेन की लाइफ और इमोशंस में इंटरेस्ट दिखाया, काफ़ी चेंजेस भी दिखाए, काफ़ी सोशल रिफॉर्म्स हुए, बट देयर वॉज ऑल्सो एन इंटरेस्ट इन वॉट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइफ। बट इसके साथ एक ये भी इंटरेस्ट लोगों में हमेशा जगा कि वुमेन जब लिखेंगी तो अपनी लाइफ से रिलेटेड वो क्या लिख सकती हैं। तो इसी तरह से 1860s में काफ़ी बंगाली वीमेन थी लाइक कैलाश भाषणी देवी, उन्होंने एक बुक लिखी थी हाईलाइटिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। उन्होंने खुद वीमेन के एक्सपीरियंसेस के बारे में एक बुक लिखी थी और उसमें लिखा था अबाउट हाउ वीमेन वर इम्प्रेजन एट होम, कि किस तरह से एक वीमेन को उसके घर में कैद कर दिया जाता है जेल की तरह, कैप्ट इन इग्नोरेंस, उसको अनजान रखा जाता है बाहर की दुनियादारी से और उसको फोर्स किया जाता है कि वो सिर्फ घर का काम करे, ठीक है, और ट्रीटेड अनजस्टली। इसके साथ ही उनके साथ काफ़ी भेदभाव होता है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है जिनको वो सर्व करती है, जिनके लिए वो अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इसके साथ ही 1880s में प्रेजेंट जो आज महाराष्ट्र है वहाँ से भी ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी लेडीज़ निकली हैं जो काफ़ी पढ़ी लिखी लेडीज़ निकली और उन्होंने भी मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा है, किस तरह की मिजरेबल लाइफ रही अपर कास्ट हिंदू वीमेन की, स्पेशली वीडोज़ की, ठीक है, अपर कास्ट जो हिंदू वीमेन जो स्पेशली वीडोज़ होती थी उनकी लाइफ बहुत ही किस तरह से उनको परेशानी होती थी, किस तरह की रुकावटें उन पे पाबंदियां लगाई जाती थी उनके बारे में उन्होंने लिखा। तो ये बहुत ही पैशनेट एंगर के साथ, ठीक है, बहुत ही उत्साहित गुस्से के साथ उन्होंने इस सब चीज़ों को लिखा। आ वीमेन इन एन तमिल नॉवल, इसी तरह देखिए तमिल नॉवल में भी वीमेन ने एक्सप्रेस किया है रीडिंग मीन टू वीमेन हु वर सो ग्रेटली कन्फाइंड बाई सोशल रेगुलेशन फॉर वेरियस रीजन माई वर्ल्ड इज स्मॉल। तो इसी तरह से किस तरह से सोशल रेगुलेशन के साथ उनको रहना पड़ता था, इससे रिलेटेड उन्होंने भी ये पॉइंट लिखा। एक लाइन मेंशन है कि फॉर वेरियस रीजंस माय वर्ल्ड इज स्मॉल, बेशक मेरी दुनिया बहुत छोटी है, आप किसी भी रीजन समझ लीजिए, पर आधी से ज़्यादा जो हैप्पीनेस है मेरी जिंदगी की वो कहाँ से आती है, वो किताबों से आ सकती है। तो आप आई थिंक इस लाइन से समझ सकते हो क्या इंपॉर्टेंस रही होगी वीमेन की लाइफ में प्रिंट कल्चर की। इसके साथ ही उर्दू में देखिए, उर्दू तमिल हो या बंगाली हो या मराठी हो, प्रिंट कल्चर हर तरह से डेवलप हुआ अर्ली लाइफ में। और इसके साथ ही हिंदी प्रिंटिंग बिगेन सीरियसली ओनली फ्रॉम दी 1870s। इसके साथ ही हिंदी प्रिंटिंग जो है वो 1870s से स्टार्ट हो गई थी। सून अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वॉज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन। और इसके साथ ही जो लास्ट सेगमेंट था इस राइटिंग का डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में वो किसको डिवोट हुआ, वो हुआ एजुकेशन ऑफ वीमेन में, वीमेन के लिए। इन दी अर्ली 20th century जर्नल्स रिटेन फॉर एंड समटाइम्स एडिटेड बाई वीमेन। इसके साथ ही अर्ली 20th century तक जर्नल्स जो लिखे जाते थे वो काफ़ी एडिटेड हुए वीमेन, तो वीमेन जो थी वो काफ़ी सारे मैगजीन्स को एडिटेड भी करती थी जो कि काफ़ी पॉपुलर रहे। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी और कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किया, कौन कौन से इशूज़ पर लिखा, तो वो थे वीमेन्स एडुकेशन, विडोहुड, विधवा जो थी उनके ऊपर, साथ ही विडो रीमैरिज कि किस तरह से विधवा की पुनः शादी कर दी जाए, एंड दी नेशनल मूवमेंट। इसके साथ ही नेशनल मूवमेंट के बारे में भी लिखा गया क्योंकि आपको पता है कि वुमेन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है नेशनल मूवमेंट में भी, जो आप हिस्ट्री के चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ेंगे। सम ऑफ देम ऑफर्ड हाउस होल्ड, और इसके साथ ही कुछ किस तरह से घर का काम भी करती थी, साथ ही फैशन लेसन्स टू वीमेन एंड ब्रॉड एंटरटेनमेंट थ्रू शॉर्ट स्टोरीज एंड सीरियलाइज्ड नॉवल्स। इसके साथ ही किस तरह से वीमेन की लाइफ को थोड़ा फैशन लेसन्स में भी कन्वर्ट किया गया थ्रू एंटरटेनमेंट लाया गया, किस तरह से एंटरटेनमेंट लाया शॉर्ट स्टोरीज और सीरियलाइज्ड नॉवल्स, जो मैंने बताया था कि नॉवल्स पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह सीरियल वाइज में आते थे। इसके साथ ही देखिए पंजाब में भी काफ़ी फोक लिटरेचर वहाँ प्रिंटेड हुआ 20th century में। रामचड्ढा पब्लिश, रामचड्ढा जो थे उन्होंने फास्ट सेलिंग स्त्री धर्म विचार, तो यहाँ से वन मार्क क्वेश्चन बनता है कि स्त्री धर्म विचार किसने लिखी थी, तो ये रामचड्ढा ने लिखी थी पंजाब में। और इनके इसमें मेन टॉपिक ये था कि किस तरह से वीमेन को ओबीडियंट वाइफ्स बनाया जाए, ठीक है, आज्ञाकारी पत्नियां बनाया जाए, तो इसके ऊपर ही लिखे थी इन्होंने। साथ ही खालसा ट्रैक सोसाइटी जो थी उसने भी काफ़ी चुप चीप सस्ती किताबें पब्लिश की थी और सेम उनका भी यही मैसेज था किस तरह से वीमेन हाउ दे विल बी बिकेम ओबीडियंट वाइफ्स। इसके साथ ही मैनी ऑफ दिस वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, इनमें से काफ़ी सारी जो बुक्स थी वो डायलॉग्स के रूप में थी और उसमें भी बताया था किस तरह से क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमेन, की एक गुड वुमेन की क्या क्वालिटी होती है। इसके साथ ही बंगाल में देखिए एक एंटायर एरिया था सेंट्रल कोलकाता, वहाँ पे बाटला एक जगह थी और ये बहुत ही बड़ा पब्लिशर हाउस बना बंगाल का, और जिसने काफ़ी प्रिंटिंग जो जितना ही पॉपुलर बुक्स और प्रिंटिंग होती थी वो बाटला हाउस में होती थी। तो ये आपका सेंट्रल कोलकाता में ये प्लेस थी। हियर यू कुड बाय, आप यहाँ पे हर तरह की चीप सस्ती रिलीजियस ट्रैक्स और स्क्रिप्चर्स खरीद सकते थे।
ठीक है, स्क्रिप्चर्स मतलब जो लेख होते थे तो वो आप खरीद सकते थे, इसके साथ ही एज वेल एज लिटरेचर, इसके साथ वो लिटरेचर भी आप खरीद सकते थे जो कि ऑब्सिन हो स्कैंडलेस हो, ठीक है, ऑब्सिन मतलब बेहुदा और ए स्कैंडलेस मतलब डिफरेंट डिफरेंट कांड से रिलेटेड जो भी किताबें होती थी वो भी आप खरीद सकते थे। बाय द लेट 19th सेंचुरी अ लॉट ऑफ दिस बुक्स वर बींग प्रोफेसली इलस्ट्रेटेड विद वुड कट्स, इसके साथ ही लेट 19th सेंचुरी तक ये जो किताबें थी इनमें काफ़ी सारी जो किताबें थी उनमें इलस्ट्रेटेड थी वो वुड कट्स के द्वारा जो डिज़ाइंस होती थी कलर लिथोग्राफ्स के द्वारा याद थी। साथ ही बाटला पब्लिकेशन ने पैडलर्स को अपॉइंट किया था, पैडलर्स आपको याद होगा साइकिल पे जाते थे दूर दूर इलाकों में और इन किताबों को बेचते थे, बाटला हाउस पब्लिशर से ले लेते थे पब्लिकेशन से बड़ी बड़ी जगहों से और इन किताबों को वो सेल करते थे डिफरेंट डिफरेंट दूर दराज के इलाकों में, स्पेशली वीमेन को इस क्योंकि वीमेन आके मार्केट में किताबों खरीद नहीं पाती थी तो उनको ये किताबें आराम से मिल जाती थी जो वो अपने लेजर टाइम में इनको रीड करती थी। इसके बाद चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि आपका आ रहा है कंटेंट प्रिंट एंड द पुअर पीपल। देखिए प्रिंट अगर सोसाइटी में देखा जाए तो हर तरह के लोगों की हमने बात की तो पुअर भी जो लोग थे कि सोसाइटी में उनके बारे में पढ़ लेते कि उनकी लाइफ में किस तरह का चेंज हुआ प्रिंट कल्चर की वजह से, क्या वो किताबों को पढ़ पाते थे अफोर्ड कर पाते थे। तो देखिए वेरी चीप स्मॉल बुक्स, तो इसी तरह की कुछ बहुत ही छोटी सस्ती किताबें मार्केट में आई 19th सेंचुरी में मद्रास में टाउन्स में और क्रॉस रोड जो रोड के किनारे किनारे किताबें बेची जाने लगीं और इसके वजह से पुअर पीपल जो थे वो मार्केट में जाके ये किताबों को खरीद के पढ़ सकते थे। पब्लिक लाइब्रेरीज बस इसके साथ ही पब्लिक लाइब्रेरीज भी ओपन कर दी गई अर्ली 20th सेंचुरी में और यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स रखी गई और इजली लोग वहाँ पे पहुँच के उन किताबों को पढ़ सकते थे। इसके साथ ही लाइब्रेरीज जो थी वो लोकेट करी गई सिटीज़ और टाउन्स में भी और इवन जो प्रॉस्पेरस विलेज थे वहाँ भी, ताकि हर तरह के तबके के लोग वहाँ जा सकें पढ़ सकें। इसके साथ ही देखिए रिच लोकल पैट्रोन्स जो थे सेटिंग अप लाइब्रेरी वॉज अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रेस्टीज, इसके साथ ही जो रिच लोकल पैट्रोन से जो संरक्षण लोग थे कि वो चाहते थे कि प्रिंट कल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे तो उन्होंने लाइब्रेरीज को सेटअप किया, उन्हें लगा ताकि एक प्रेस्टिज की बात उनके लिए साबित हो। फ्रॉम दी लेट 19th सेंचुरी अगर 19th सेंचुरी तक देखे तो काफ़ी सारी किताबें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे टॉपिक, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे टॉपिक काफ़ी फेमस रहे पॉपुलर रहे और इफेक्टिव भी रहे। तो देखिए अगर बुक्स आपने को बेचनी है आपको एक बिजनेसमैन के साथ सोचना है तो आपको हर इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे भी किताबें लिखनी है और प्रिंट करनी है, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके भी काफ़ी सारी किताबें लिखी गई और छपी गई और काफ़ी एसेज भी लिखे गए। तो इसी तरह से ज्योतिबा फूले जो कि एक मराठा पॉइनियर एक मराठा महाराष्ट्र बिलोंग करते थे मराठा पॉइंटर मार्गदर्शक थे, उन्होंने लोग कास्ट प्रोटेस्ट किए थे काफ़ी सारे मूवमेंट्स को और उन्होंने लिखी थी जो भी इनजस्टिस होता है कास्ट सिस्टम में उनकी एक किताब थी गुलामगिरी, ठीक है 1871, तो यहाँ से वर्मा क्वेश्चन बनता है गुलामगिरी, उन्होंने इस बुक में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड बातों को लिखा गया था। इसी साथ 20th सेंचुरी में B.R. अम्बेडकर जो महाराष्ट्र बिलोंग करते थे वो भी कास्ट सिस्टम से चीज़ों को खिलाफ थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, और इसी तरह E.V. रामास्वामी नायकर जो कि मद्रास से बिलोंग करते थे जिनको पेरियार भी बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा E.V. रामास्वामी नायकर को जो मद्रास से बिलोंग करते हैं उनको पेरियार भी बोला जाता है, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें काफ़ी सारी चीज़ें अपनी राइटिंग में लिखी और किस टॉपिक पर लिखी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर। इसके साथ ही काफ़ी लोकल प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हुए और इन सब चीज़ों के बारे में भी जर्नल्स में इन चीज़ों को लिखा गया और प्रिंट किया गया जो कि काफ़ी आगे फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देखिए वर्कर्स की कहानी आ रही है जो छोटे गरीब वर्कर्स होते थे किस तरह से वो फैक्ट्रीज में काम करते थे, इतना ओवरवर्क होने के बाद भी वो थोड़ा सा टाइम निकालते थे ताकि वो पढ़ें किताबें और उसमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ें और साथ में उन्होंने लिखना भी स्टार्ट किया। इन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल है काशी बाबा जो कि कानपुर मिल वर्कर से मिल वर्कर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी छोटे और बड़े के बड़े का सवाल, ठीक है तो टॉपिक से आप हेडिंग से समझ सकते हैं किस तरह की बुक रही होगी ये, किस तरह का इसमें कंटेंट रहा होगा छोटे और बड़े का सवाल, तो अमीर गरीबी के बारे में एक किताब थी और ये 1938 में लिखी गई, तो वन मार्क क्वेश्चन ये बन जाता है इसमें क्या चीज टॉपिक पे लिखा गया कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोटेशन, ठीक है किस तरह से एक कास्ट के प्रति वो क्लास जो गरीब लोग होते हैं उनका किस तरह से शोषण होता है एक्सप्लोटेशन होता है। इसके साथ ही देखिए एक और कानपुर मिल वर्कर था जिनका नाम सुदर्शन था, इस नाम का ही मेन रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र रख के 1935 से लेकर 1955 तक कुछ पोएम्स को लिखा था और ये सारे पोएम्स को इकट्ठी उन्होंने पूरा कलेक्शन बना के पब्लिश किया था जिसको बोलते हैं सच्ची कविताएं, तो ये वन मार्क क्वेश्चन में क्या कि सच्ची कविताएं किसने पब्लिश की थी, तो वो थी या किसने लिखी थी, वो थी सुदर्शन चक्र ने, ठीक है ये कानपुर के मिल वर्कर थे। इसके साथ ही 1930s में बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स ने भी काफ़ी सारी लाइब्रेरी सेटअप की ताकि वो लोगों
को एजुकेशन का मतलब सिखा सकें और साथ में खुद भी पढ़ना लिखना सकें। तो एक तरह का ये एग्जाम्पल हुआ बॉम्बे वर्कर्स का। इसी तरह से दीज वर स्पॉन्सर्ड बाई सोशल रिफॉर्मर्स, और इनको कौन स्पॉन्सर करता था? सोशल रिफॉर्मर्स हु ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमंग दैम टू ब्रिंग लिटरेसी एंड समटाइम टू प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। तो ये स्पॉन्सर की जाती थी, ये इस तरह की लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए हेल्प की जाती थी सोशल रिफॉर्मर्स, क्योंकि वो चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा अपना पैसा जो है एक्सेसिव ड्रिंकिंग ना करें, बल्कि पढ़े लिखे, लिटरेसी थोड़ी सी लिटरेसी रेट हाई हो, और साथ ही उनको मैसेज देते थे नेशनलिज्म की, किस तरह से आपको देशभक्ति की बातें और मैसेज यहाँ पे सीखने को मिलते थे। इसके बाद ये देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ रही है इस चैप्टर की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रिंट एंड सेंसरशिप। ठीक है, प्रिंट और सेंसरशिप किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रही। आपने कई बार नाम सुना होगा सेंसरशिप, पर आपको शायद मीनिंग ना पता हो, तो अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो सेंसरशिप प्रिंट कल्चर पे ही लगा जाता है, जैसे किसी भी तरह के प्रिंटिंग मटेरियल, या आप ले लीजिए न्यूज़पेपर्स या मीडिया ले लीजिए, जब मैं अगर बोलूँ मीडिया को कि आप मेरी परमिशन के बिना कोई भी चीज़ दिखा नहीं सकते, या न्यूज़पेपर्स कोई चीज़ छाप नहीं सकते मेरी मर्ज़ी के बिना, तो इस तरह से मैंने एक सेंसरशिप लगा दी किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर और न्यूज़पेपर्स के ऊपर। ठीक है, प्रिंटिंग के ऊपर, तो इसी को बोलते हैं सेंसरशिप। तो इसी तरह का कुछ काम हमारे इंडिया में रहा, कब रहा, किस दौरान रहा, वो चलिए पढ़ते हैं। तो बिफोर 1798, अगर 1798 के बाद पहले का टाइम अगर बात करूं, जो कि कॉलोनी स्टेट था ईस्ट इंडिया कंपनी के वहाँ पे अंतर्गत, तब सेंसरशिप का इतना ज़्यादा कोई किसी ने कुछ सोचा नहीं था इस बारे में, इतनी टेंशन नहीं थी। स्ट्रेंजली इस अर्ली मेजर्स टू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंग्लिशमैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल ऑफ कंपनी मिसरूल एंड हेटेड द एक्शंस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या होता कि इन्हों को बाद में, इसके बाद जो था, प्रिंटेड मैटर पे काफ़ी कंट्रोल लगने लगा, क्योंकि इनको लगता था कि जो इंग्लिशमैन इंडिया में है उनके खिलाफ काफ़ी सारे जो कंपनी मिस रूल और जो हेटेड हो रहे हैं एक्शंस, उसके बारे में वहाँ के लोग जो हैं वो इनके बारे में, इनके खिलाफ लिखेंगे। तो द कंपनी वॉज वरीड दैट सच क्रिटिसिज्म माइट बी यूज बाई इट्स क्रिटिक्स इन इंग्लैंड टू अटैक इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। तो इस तरह की जो चीज़ें इंडिया में छपती थी इंग्लिश मैन के बारे में, जो कंपनी मिस रूल हो रहा है और जो भी कंपनी ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको ऐसा था कि अगर ये प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा वहाँ के लोगों को पता चल गया, कहाँ के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को पता चल गया जो कि क्रिटिक्स हैं इस कंपनी के, ठीक है, तो इनको लगता था कंपनी के लोगों का, वो हमारे बारे में काफ़ी कुछ छाप देंगे और हमारा जो ये मोनोपोली जो ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, वो भी शायद वो बंद कर देंगे। तो इस बात का इन्हें डर लगता था ब्रिटिश ऑफिसर्स को। तो बाय द 1820s द कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास सर्टेन रेगुलेशंस टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम एंड द कंपनी बिगन एनकरेजिंग पब्लिकेशन न्यूज़पेपर दैट वुड सेलिब्रेट ब्रिटिश रूल। तो इसके साथ ही 1820s में क्या हुआ, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कोलकाता उस टाइम ब्रिटिश के कंट्रोल में, यहाँ इंडिया की कैपिटल जानी जाती थी, तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक पास किया एक रेगुलेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कुछ प्रेसेस की फ्रीडम को छीन लिया गया। इट मीन्स बिना उन ब्रिटिशर्स की मर्जी के आप कुछ छाप नहीं सकते थे, और कंपनी ने सिर्फ उन्हीं पब्लिशर्स को इनकरेज किया, मोटिवेट किया, उन्हीं न्यूज़पेपर्स को छपने दिया जो कि ब्रिटिश रूल की अच्छी वाहवाही वाले बातों को लिखती थी, बुराइयां नहीं लिखती थी। इन 1835 में फेस्ड विद अर्जेंट पोजिशंस बाई एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर्स, गवर्नर जनरल बेंटिंक एग्री टू रिवाइज प्रेस लॉ। तो इसी से 1835 में काफ़ी सारी इस तरह की पेटिशंस जो थी वो आई बाई एडिटर्स ऑफ इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर्स, ठीक है, इनकी शिकायतों और पेटिशंस आई, तो गवर्नर जनरल बेंटिंक ने एग्री किया कि अब वो क्या करेगा, वो प्रेस लॉ जो होता है रिवाइज करने वाला, फिर से लगाने वाला है। तो थॉमस मैकुले अ लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स डेट रिस्टोर द अर्लियर फ्रीडम्स। तो थॉमस मैकुले जो एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी सारे न्यू रूल्स को रिस्टोर करना स्टार्ट किया जो कि अर्लियर फ्रीडम से पहले उन्होंने रिस्टोर किया था। आफ्टर द रिवॉल्ट, और जब 1857 का जब रिवॉल्ट हो गया जो इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, तो ये इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीडम जो प्रेस की थी वो चेंज हो गई, अब छीन ली गई, और इंप्रेस्ड इंग्लिशमैन डिमांडेड अ क्लैंप डाउन ऑन द नेटिव लॉज। और इसकी वजह से जो इंग्लिशमैन थे उन्होंने डिमांड किया कि कुछ तरह का कंट्रोल, कुछ क्लैंप, मतलब कुछ तरह का दबाव डाला जाए, जिसकी वजह से ये सारी जो नेटिव प्रेस है, जो लोकल प्रेस इंडिया की नेटिव प्रिंटिंग प्रेस है, उनको बंद कर दिया जाए या उनको कुछ रोक लगाई जाए ताकि वो जो मर्जी हो वो ना छाप सकें, क्योंकि
1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो उससे पहले इन्हीं चीज़ वजह इन्हीं चीज़ें जो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग मटेरियल था उसके से लोग मोटिवेट हुए थे और नेशन के बारे में सोचे थे, सोचना शुरू किया था और उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया था इस रिवॉल्ट में। तो इस तरह का जो रिवॉल्ट अब इंग्लिश में नहीं चाहते थे, तो वो चाहते थे जितनी भी प्रिंटिंग मशीन्स इस तरह की बातें जो हमारे खिलाफ लिख रही हैं उनको रोका जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकेम एज ए टेपली नेशनलिस्ट द कॉलोनी गवर्नमेंट बिगन डिबेटिंग मेजर्स ऑफ स्ट्रिंगेंट कंट्रोल। तो जो वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स थे उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सख्ती लगाई गई, स्ट्रिंगेंट कंट्रोल कड़ी से कड़ी सख्ती लगाई गई, और जो भी लोकल भाषा में वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो भी न्यूज़पेपर छपते थे उनको रोका गया। तो 1878 में एक लॉ पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मार्क क्वेश्चन आपका बनता है किस ईयर में और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था कि जो भी प्रिंटिंग मशीन्स जो हैं वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनमें न्यूज़पेपर्स या कोई भी प्रिंटेड मटेरियल नहीं छाप सकती। अगर वो छापती थी तो उन्हें पनिशमेंट मिलती थी, उनकी जो प्रिंटिंग मशीन होती थी उसको जब्त कर लिया जाता था, उनको फ़ाइन देना पड़ता था। और देखिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो ये पास किया था गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, किसका मॉडल था, किसका उदाहरण था, ये आयरिश प्रेस लॉ, जैसे आयरलैंड में प्रेस लॉ पास हुआ था, आयरिश में प्रेस लॉ जिसको कहते हैं, उसी के बेसिस पे कुछ यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। तो एक प्रोवाइडर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने एक तरह से पूरा सेंसर लगा दिया था इसके अकॉर्डिंग, और रिपोर्टर्स पे और एडिटोरियल्स पे अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो, पहली बात वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में होगा। और इसका यही फ़ायदा था इनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस समझते थे, अगर न्यूज़पेपर उनकी लोकल लैंग्वेजेस में नहीं आएगा तो लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगी किसी तरह का, और उनको नहीं पता चलेगा कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है किस तरह का करप्टेड वर्क कर रहे हैं, तो लोगों में किसी तरह का विद्रोह करने की भावना नहीं आएगी, इसलिए इन्होंने ये चीज़ रोकी थी। और इंग्लिश जैसे बहुत सारे लोग समझते ही नहीं थे तो लोगों को नॉलेज ही नहीं हो पाएगी, तो विद्रोह करने का वो सोचेंगे नहीं। तो इस वजह से ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था। इसके साथ ही फ्रॉम नाउ ऑन द गवर्नमेंट कैप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पब्लिश इन डिफरेंट प्रोविंसेस। इसके साथ ही गवर्नमेंट हमेशा नजर रखने लगी कि कोई जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कोई चीज़ पब्लिश तो नहीं करा डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में, कहीं किसी इलाके में। व्हेन अ रिपोर्ट वॉज जज एट सैडेटस, अगर कहीं से खबर मिल जाती थी कि कुछ किसी दंगा फसाद, सैडेटस मतलब कुछ दंगे फसाद हुए किसी न्यूज़पेपर की वजह से, क्योंकि न्यूज़पेपर में इस तरह का आर्टिकल आया था जिसको पढ़ के लोगों ने विद्रोह किया गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उस न्यूज़पेपर को पहले तो वार्न कर दिया जाता था, पहले ही वार्न कर दिया जाता था कि आपके अगर आर्टिकल के थ्रू अगर किसी तरह का दंगा फसाद हुआ तो आपको ये वार्निंग, अगर आपने इग्नोर करी और आपने कुछ ऐसा चीज़ छापा जिसके वजह से दंगे फसाद हुए तो आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सीज कर दिया जाएगा, मतलब उसको पूरा का पूरा सीज कर देंगे, साथ ही जो प्रिंटिंग मशीन है उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस डर के वजह से काफ़ी सारे लोगों ने प्रिंटिंग का इस तरह का वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में काम रोक दिया। डिस्पाइट रिप्रेसिव मेजर्स नेशनल न्यूज़पेपर्स ग्रू इन नंबर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इनको लगता था कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि इस वजह से शायद सख्ती करने से ये काम रुक जाएगा, लोग मोटिवेट नहीं होंगे, नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं आएगी, बट इसका उल्टा ही हुआ कि इतने सारे रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नेशनल न्यूज़पेपर्स को बहुत बड़ी संख्या में छापा। दे रिपोर्टेड ऑन कॉलोनियल मिसरूल एंड इंक्रेज नेशनलिस्ट एक्टिविज़म। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा कॉलोनियल मिसरूल किस तरह से मिसरूल कर रही है हमारे यहाँ पे, और इंक्रेज किया नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को कि हम सब मिलकर नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट करें, मूवमेंट्स करें। अटेम्प्ट्स टू थ्वार्ट नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक मिलिटेंट प्रोटेस्ट। और इस तरह के जितने भी ये चीज़ें आई, नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म भी काफ़ी प्रोवोक हुआ, मिलिटेंट प्रोटेस्ट हुआ। दिस इन टर्न लेड टू अ रिन्यूड साइकिल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट। इसके वजह से काफ़ी सारे लोगों को ये था कि वो प्रोटेस्ट करते गए, उनको गिरफ्तार करते रहे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन पे मुकदमा चलाते गए। व्हेन पंजाब रेवोल्यूशनरीज वर रिपोर्टेड इन 1907, बाल गंगाधर तिलक रॉट विद ग्रेट सिंपैथी अबाउट देम इन हिज केसरी। तो जब पंजाब के कुछ रेवोल्यूशनरीज काफ़ी ज़्यादा उनको पकड़ा गया, उनको पनिश किया गया 1907 में, तब बाल गंगाधर तिलक ने अपनी सिंपैथी जाहिर करने के लिए एक अपनी कुछ भावनाएं लिखी थी अपनी बुक में केसरी में, ठीक है। तो ये केसरी आप याद रखिएगा, यहाँ से वर्मा क्वेश्चन बनता है हु वाज रॉट केसरी, तो आंसरों का बाल गंगाधर तिलक। इसके साथ ही दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन 1908, प्रोवोकिंग इन टर्न वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। तो बाल गंगाधर तिलक जी को भी इसके खिलाफ कि उन्होंने इस तरह से केसरी को लिखा गया, और जो कि मना था उस टाइम लिखना, तो इसकी वजह से उनको भी इम्प्रिजनमेंट जेल दी गई 1908 में, और इसकी वजह से काफ़ी इंडिया में जो काफ़ी सारे प्रोटेस्ट और प्रोवोक हो गए, ठीक है। हर
डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्रोटेस्ट होने लगे कि जो भी इनके पॉलिटिकल लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ा जाए। तो एक तरह से इन्होंने काफ़ी सहयोग ही दिया इस तरह से कि नेशनल मूवमेंट्स किस तरह से हमारी कंट्री में और ज़्यादा वाइड स्प्रेड में एक्सपेंड हुए और किस तरह से आज़ादी हम लोगों को मिली। इसी साल देखिए गांधी जी सेड इन 1922 में गांधी जी ने भी कहा लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज न्यू सीकिंग टू क्रश द थ्री पावरफुल व्हीकल्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड कल्टिवेटिंग पब्लिक ओपिनियन, द फाइट फॉर स्वराज, द खिलाफत मीन्स अ फाइट फॉर हिज थ्रेटेंड फ्रीडम बिफोर ऑल एल्स। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कि लिबर्टी के किस तरह से प्रेस को लिबर्टी मिलनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने पूरा लिखा। आप इनके बारे में थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे डीप में जो आपके हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड है नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद देखिए चैप्टर यहाँ तक पूरा हो गया क्लियर। आपको इससे कोई भी रिलेटेड डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर जो है वो कुछ इस तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं। आई होप अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा होगा लाइन टू लाइन तो आप इन आंसर्स को दे लेंगे इन क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, आपको वो रीजंस देने ए है वुड ब्लॉक प्रिंट ओनली केम टू यूरोप आफ्टर 1295। तो किस तरह से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी यूरोप में आई उसके बारे में आपको लिखना है। फिर मार्टिन लूथर वॉज इन फेवर ऑफ प्रिंट एंड स्पोक आउट इन प्रेज ऑफ इट। तो मार्टिन लूथर की आपको एक याद लाइन याद होगी किस तरह से वो प्रिंट को अल्टीमेट गिफ्ट मानता था गॉड का, उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही सी है द रोमन कैथोलिक चर्च बिगिन कीपिंग एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम द मिड 16th सेंचुरी। आपको याद होगा 1558 में रोमन कैथोलिक चर्च ने एक इंडेक्स बनाया था प्रोहिबिटेड बुक्स का, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि कौन सा इनको क्या डर था, कौन सी बुक्स को वहाँ डाला गया था। इस प्रोहिबिटेड बुक्स में लिखा गया था अगर कोई भी पब्लिशर या बुक सेलर उनको पब्लिश करता था या बुक को बेचता था तो उसको किस तरह की पनिशमेंट दी जाती थी। इस तरह से डी आपका रहा है पार्ट गांधी जी सेड दी फाइट फॉर स्वराज इज अ फाइट फॉर लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी का कहना था कि अगर हमें फाइट करनी है फॉर स्वराज तो हमें किसके लिए पहले फाइट करनी होगी, लिबर्टी ऑफ स्पीच, लिबर्टी ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। इसी साथ देखिए क्वेश्चन नंबर टू है राइट शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं ग्यूटेनबर्ग प्रेस पे। आपको याद होगा ग्यूटेनबर्ग जो जर्मनी से बिलोंग करता था उसकी फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन जो उसने बनाई थी और उसमें कौन सी फर्स्ट बुक प्रिंट की थी बाइबल की थी, कितनी कॉपीज की थी उसके बारे में आपको लिखना है, क्या स्पीड थी इसकी। इसके बाद देखिए बी इरास्मस आइडिया ऑफ द प्रिंटेड बुक, देखिए यही वाला टॉपिक जो मैं आपको बोली थी कि मैं भूल गई थी आपको बताना क्योंकि मुझे पता था इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए इतने छोटे छोटे बॉक्सेस में दिया तो ऐसा होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो इतनी बेशक लंबी हो रही है थोड़ी सी, पर ठीक है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज तो मिले। मान लो आप शॉर्टकट करके 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो देख के आप चले गए पेपर देने और आपको फिर कुछ जब क्वेश्चन आया इतना डीप क्वेश्चन आ गया कि आपको तो लगेगा अरे ये तो लगता है कि ये तो हमारी बुक से आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तब आपको लगता है शायद आउट ऑफ सिलेबस आया। पर देखिए ऐसा नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी आता है, आपसे आपकी बुक से रिलेटेड ही हर चीज़ आएगी। आप 9th का भी आपको जितना भी आपने पढ़ा है वो भी आपको याद रखना होगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिए और अभी आपके पास बहुत टाइम है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अच्छे से आप हर चीज़ को समझिए और रिवाइज करिए और अंडरलाइन करिए। और यहाँ तक मैं सारे आपको बता दें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 1 मार्क के 5 मार्क के 3 मार्क के बनते हैं। इसके साथ ही देखिए इस चैप्टर की वर्कशीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कोई क्वेश्चन से कोई टॉपिक से तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिएगा। और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियोज़ बनाऊँ वो आपको नोटिफाइड हूँ, आपको तुरंत उसकी नॉलेज मिले, आप सबसे पहले आप उस वीडियोस को देखें। तो देखिए इसके साथ ही सी पार्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, किसने उसको स्टार्ट किया था इंडिया में और किस मॉडल के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया था, क्या इसका मेन एम था, किस तरह की पनिशमेंट मिलती थी इसको अगर कोई फॉलो नहीं करता था, वर्नाकुलर का मतलब भी मैंने आपको बताया है तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन टू। तो किस तरह से प्रिंट कल्चर जब 19th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ तो वीमेन के अकॉर्डिंग क्या उसका इंपॉर्टेंस रही, पुअर की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रही और रिफॉर्मर्स की लाइफ में किस तरह से प्रिंट कल्चर ने रोल प्ले किया। तो एक तरह से बेसिकली ये क्या रोल प्ले हुआ, प्रिंट कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस रही वो आपको बताया, तो ये भी मैंने आपको वीमेन की लाइफ का भी बताया था। और देखिए इंडिया से रिलेटेड तो इंडिया की वीमेन राइटर्स के नाम आपको यहाँ मेंशन करने हैं, साथ में जो पुअर थे उनके किस तरह से उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ एक्सपीरियंस लिखे तो उनके बारे में आपको लिखना है। साथ ही जो रिफॉर्मर्स थे, रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है और किस किस सोशल इवेंट्स को लेके
किस किस इश्यूज पे उन्होंने लिखा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उनकी किताबों उनकी राइटर्स के बारे में लिखेंगे तो ज़्यादा आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा आंसर, और स्पेशली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बुक में मेंशन किए गए हैं वही लिखेगा जो, और ईयर भी मेंशन करेगा हिस्ट्री में अगर आपको अच्छे से याद होगा। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो प्लीज़ ईयर मेंशन मत करेगा। तो इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।